किसान हमारे अन्नदाता हैं और हमारे लिए वो भगवान का रूप है, क्योंकि किसान है तो हम है। नमस्कार, मैं अभिलाषा रनवा और आज हूँ मैं मेरी बगिया में। और खास बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आज किसानों को यहाँ पर रियायती दर में फलदार आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। जी हाँ, मैं फतेहपुर रोड पे राजलक्ष्मी बाग नर्सरी से बोल रही हूँ। यहाँ पर हमने किसानों के लिए रियायती दर पर फलदार पौधे जो रखे हुए हैं, मैं सभी पौधों का आपको नाम पूरी जानकारी देने वाली हूँ। किसानों को अपने खेत में फलदार पौधे भी लगाने चाहिए, जैसे मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जो खास तौर से हमने किसानों के लिए रखे हैं। ये मौसमी के पौधे हैं और साथ में ये इधर बील के पौधे हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और आप इन्हें लगाएंगे तो पूरा पेड़ फलों से लदा हुआ पाएंगे। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, मौसमी है, बील है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थाई पिंक ये अमरूद के पेड़ हैं और ये बहुत बड़े स्तर पर तैयार करे गए हैं। लगभग 20,000 ये अमरूद के ये पौधे हैं और इन्हें बड़े स्तर पे अभी थैलियों में भरा जाएगा। जैसे अभी हम अंजीर के पौधे नए थैलियों में भर रहे हैं बड़े स्तर पे, और किसान चाहे राजस्थान का हो या हरियाणा का हो या पंजाब का हो या कहीं का भी हो, सबको रियायती दरों पर यहाँ से पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। और देख सकते हैं आज हम अमरूद है, अंजीर है, इनके बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पौधे भर रहे हैं और गारंटी है कि आप अगर ये पौधा आप ले जाके लगाते हैं तो अगले ही साल छोटा सा जब ये पौधा होगा तो छोटा सा पौधा ही 3.5 किलो तक अंजीर देने लगेगा। हमने ये प्रयोग कर लिया है बहुत सारी जगह। अंजीर है, इससे अगर किसान इसको अपने खेत में लगाते हैं तो उन्हें बहुत अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। अंजीर एक औषधीय पौधा है और ये जो ड्राई फ्रूट है बहुत ही महंगा बिकता है। और ये अगर एक पेड़ हम लगाते हैं तो छोटे से पेड़ के ही 3.5 से लेकर 4 किलो तक अंजीर लगती है, तो सोचिए जब ये बड़ा होता है तो कितनी सारी अंजीर लगती होगी। तो अगर किसान अंजीर की खेती करे तो उसे बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। ये 12 मासी नींबू के ये देख सकते हैं पेड़ हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हैं। इनके बहुत ही जल्दी नींबू लगने शुरू हो जाते हैं और पूरा पेड़ फलों से लग जाता है। बड़े स्तर पे नींबू की पौध तैयार करी है और किसानों को बिल्कुल रियायती दर पर दिए जाएंगे।